राजू तुम्हें यूनियन के सेक्रेटरी साहब ने बुलाया। ठीक है तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। बेहतर यार, तुम्हारा केस हो जाएगा, मैंने डिस्कस कर लिया है। वालेकुम सलाम। यूनियन के सालाना फंड से यह चेक तुम्हारे भाई के लिए है राजू। यह हमारी मजदूर यूनियन के हर उस मेंबर का हक है जो बीमारी की वजह से लागर या हादसा की वजह से माजूर हो जाए। नहीं सर, मैं चेक नहीं लूंगा। क्यों? मां कहा करती थी कि भाई भाई का बाजू होता है। आज अगर एक हादसे में मेरे भाई के बाजू छिन गए तो मैं ये चेक लेकर उसे कभी एहसास नहीं दिलाऊंगा कि मैं उसका बाजू नहीं हूं। क्या वो माजूर हो चुका है? नहीं साहब, आप ये पैसे किसी और को दे दीजिए, मुझे और मेरे भाई को इनकी जरूरत नहीं है। सामने हाफिज, राजू की खुददारी में अपने बड़े भाई से पीछे नहीं है। अरे तो कब आया? अभी आया हूं भैया, रुकियो ना। ये भाभी कहां चली गई भैया, तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर? उस औरत को कुछ ना कहो राजू, उसकी वजह से तुम मैं जिंदा हूं, वरना मैं काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ऐसा मत बोला कर भैया। अरे जो सच है वो सच है, खाने पीने और सेहत बनाने के सिवा मुझे और काम ही क्या है। कितना खुशकिस्मत हूं मैं, छोटा भाई कमाता है और मैं ठाट से घर बैठकर खाता हूं। अपना हाथ रोक लो, सच को तुम छुपा नहीं सकते और हक को तुम दबा नहीं सकते। अभी हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंची है, अगर इस जुल्म के इंतकाम में हमारे हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच गए तो फिर धमकी देते हो? धमकियां हो या तसल्लियां, ये सब देने की आदत सरमायादारों को होती है। हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, इसलिए हमें जो करना होता है वो अपने जोरे बाजू से करते हैं। बहुत जोर है तुम्हारे बाजुओं में। राजू, हमारी जिस आवाज को मैनेजर साहब ने दबाना चाहा था वो एमडी साहब के कानों तक पहुंच गई है। हाँ सुना है, उन्होंने हमारे मुतालबे तस्लीम कर लिए हैं, कल तक वो उसका ऐलान भी करने वाले हैं। अपने जिस भाई के खून का हिसाब मांगने आए हो उसका हिसाब कंपनी से खत्म कर दिया गया है, और अगर तुमने भी अपने उस भाई की तरह अपनी जबान की लंबाई दिखाने की कोशिश की तो याद रखो, तुम्हारे भाई के सिर्फ बाजू कटे, तुम्हारी टांगे भी कट जाएंगी और तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा कि यह हादसा सजा थी या ओनली एक्सीडेंट। राजू,
क्या बात है, पत्थर क्यों बन गए हो? गरीब पत्थर बनकर भी बड़े लोगों के शीशे के बने हुए जुल्म कदे नहीं तोड़ सकता। मैनेजर फरीद को खुदा ने और भी दौलत दी है, उसका मर्तबा भी और बढ़ गया है। तुम्हारे बाजू ही नहीं कटे भैया, हमारी गुर्बत के अंधेरे भी बढ़ गए हैं। ये खुदा हमारे घरों में क्यों नहीं झांकता भैया? उसे हम गरीबों पर तरस क्यों नहीं आता? ये सब इम्तिहान होते हैं राजू, इनसे घबराते नहीं, खुश होते हैं। उसने किसी बहाने हमको याद तो रखा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नीली, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सांप इसे तुमने दिला था भाभी? जिद कर रही थी। तुमने तो इसकी जिद पूरी कर दी। अगर मेरे सांस पूरे हो जाते, अगर मेरी जान निकल जाती तो? चाचा, तुम्हारी जान तो मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे चांद चाचा को कुछ नहीं होगा। वाह, अरे हाँ नीली, ये सांप मुझे उधार देगी? क्यों, किसी को डराना है चाचा? एक है उल्लू का पट्टा मेरा दोस्त गुल्लू। सीधे बच्चे, कोई इश्क मुश्क गीत लगा बच्चे, ताकि गुल्लू खान का तबीयत भी कुछ रोमांटिक हो जाए। अखादा बड़े इश्क गाने लाओ भी लाओ जी। लगी खादा वो भी बचपन में गाते रहे हैं, हम आपको भी सुनवाते हैं जी। चकिया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। ओ यार, आजकल तुम्हारे होटल में खाना कुछ ज्यादा ही मजेदार पकता है। ये पटवारी साहब, ये सब ईमानदारी के मसाले का करिश्मा। ये तो ठीक है कि जितनी देर मुझको ईमानदारी की आग पर खाना पकाते हुए हो गया ना, इतनी देर में तो दूसरा लोग 5 स्टार होटल बना लेता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। पटवारी है ना, इसलिए बात जल्दी तुम्हारा मस्तक में आ जाए। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, ये रख दिया कदमों में दिल दिल दिल। कमाल है यार, तुम इससे डर गए? यारी असली नहीं नकली है, देखो। ये परे करो, परे करो। ओहो, ये लो यार। ये असली हो या नकली हो, मेरे को शुरू से इस मोजी दरिंदे से बड़ा डर लगता है। वैसे बिरादर, ये तुमने मेरे साथ अच्छा मजाक नहीं किया। अरे भाई, मैंने मजाक कहाँ किया है? मैंने तो तुम्हारी जवां मर्दी को परखा है। तुम ही बड़ी डींगे मारते थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और एक नकली सांप से डर गए। मैंने सलाहियत कहा है, अगर मेरा जवां मर्दी देखना है तो अपने आप को किसी मुसीबत में डाल के देखो। अगर एक कदम भी मैंने पीछे हटाया ना, तो मेरे को गुल्लू खान नहीं, जो मर्जी कह लेना। चलो, वक्त आने पर वो भी देख लेंगे। पहले ये बताओ, तुम्हारे इस फटीचर होटल में आज खाने की कौन सी अच्छी चीज पकी है? एक राजू यार, एक दिन आएगा, यस दिन तेरा ये बिरादर 5 स्टार होटल का मालिक बन जाएगा, पर तेरे को उधर नहीं घोषणा देगा। बात तूने बड़ी सच्ची की है, जब तेरे जैसा आदमी बड़ा आदमी बन जाता है ना, तो फिर मुझ जैसे गरीब आदमी को कहाँ लिफ्ट कराता है? अच्छा, मैं चलता हूँ। ओ भाई गरीब आदमी, यस वास्ते तुम्हें अमीर आदमी नहीं बढ़ता कि तेरे जैसे गरीब भाई को बोलना चाहूँ। कुछ खाना पीना है? अरे खाना क्यों नहीं है, सब भूख लगी है। जो भी अच्छी चीज पकी है ना, 2 प्लेट घर भेज दे। अच्छा अच्छा अच्छा, वह सीधे बच्चे जी, एक प्लेट तो उसका दे दो। लगे, मुझे उनसे बचा ले।
तुम यहां ठहरो। साले अब भीगी बिल्ली बनी क्या खड़ी है, उस वक्त क्या अकल घास चरने गई थी जो इतनी रात को अकेले इस तरह घर से बाहर निकल पड़ी? यार जीवो जीवो कर रही है। अरे गरीब के पास होता ही क्या है सिवाय इज्जत के? अगर कुछ हो जाता तो तेरा गरीब बाप तो जीता जी मर जाता ना। अब रो क्या रही, एक झापा मारूंगा तो सारी जिंदगी नहीं रोएगी। चल जा जाके अपने घर बैठ, चल। रो रही और सुन, मैं तुझे घर छोड़ आता हूं तेरे। चली गई। अब अगर आ गया, अगर कोई और टकरा गया तो जाने दो साली को, मैंने क्या इसका कोई ठेका ले रखा है? क्या मूल्य बना रखा है माँ? ड्राइवर को ढूंढकर उसे गोली मार दीजिए। वो नमक हराम था, गुंडों से मिला हुआ था। क्या कह रही हो माँ? बताए डैडी, मैं कॉलेज के फैंसी ड्रेस शो से वापस आ रही थी तो गाड़ी गुंडों ने घेर ली। मुझे किडनैप करना चाहते थे। और बताए डैडी, वो ड्राइवर वो गुंडों से मिला हुआ था, वो जानबूझकर मुझे गलत रास्ते से लाया। अगर वो ना आ जाता तो मैं इस वक्त यहाँ ना होती। वो कौन? नाम नहीं जानती, इतना पता है कि वो था एक गरीब आदमी। के लक्षण तो देखो, किस तरह बन ठन कर घूम रही है। क्या बात है, अपनी औकात भूल गई हो आप? हाँ मैं। कैसी हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, पर तुम क्यों अपने बाबा को खुदकुशी कराने पर तुली हुई हो? अरे गरीब हो, गरीबों वाले लक्षण रखो, अमीरों की नकल करोगी ना तो छोटी भी नहीं रहोगी। यह ऐनक उतार कर क्या देख रही है? तेरी इन्हीं शोखियों की वजह से वो गुंडे बदमाश तेरे पीछे पड़े होंगे। समझते होंगे किसी अमीर बाप की बेटी है, अगवा कर लेंगे तो कुछ पैसे हाथ लग जाएंगे। अरे कुछ शर्म कर, हया कर, कुछ हम गरीबों की इज्जत का ही ख्याल कर। अगर फैशन का इतना ही शौक है ना तो किसी से ब्याह कर ले, फिर खतरे कोई बात नहीं, समझी? पल्ले बांधने मेरी ये बात। क्या याद करेगी कि कोई मिला था जिसने तेरी जिंदगी की काया ही पलट दी? बड़े मजे के आदमी हो, कहाँ रहते हो? कच्ची बस्ती के क्वार्टरों में। वो उधर तो स्टार स्पोर्ट्स लिमिटेड के मुलाजिम रहते हैं। उसी कंपनी में तो काम करता हूँ मैं। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? प्याज, वैसे प्यार से मुझे सब लोग राजू कहते हैं। राजू, प्यारा नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह सुबह मेरी तारीफ करके मुझे खुश मत कर। अपने ये लक्षण बदल, वरना आइंदा कहीं मिलेगी ना तो कान से पकड़ कर तुझे तेरे बाबा के पास ले जाऊंगा, समझी? हाँ समझी, अब कुछ तुम्हें समझाना है। क्या ताजा खबरें हैं? क्या बताऊं, बहुत गड़बड़ है।
हेलो राजू। सलाम सर। फौरन आओ, हमें तुमसे काम है। कौन सर? मैं? हाँ तुम। जी सर, मैं भी आता हूँ। क्या बात है राजू? बड़े साहब ने बुलाया, बड़े ही गुस्से में लग रहे थे। खुदा खैर करे किसी ने कोई उल्टी सीधी शिकायत ना कर दी हो मेरी। बहरहाल तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ठीक है साहब, आपने मुझे बुलाया साहब। आओ आओ आओ। मगर तुम इतने नर्वस क्यों हो? साहब आपने कभी मुझे अपने ऑफिस में बुलाया जो नहीं। मगर इसमें घबराने की क्या बात है? साहब मेरे बारे में जिसने भी जो कुछ आपसे बोला है ना साहब, वो सब गलत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। तुम्हारे बारे में मुझसे जिसने भी जो कुछ कहा है वो सच है जी। घबराओ नहीं, ये लो, इसमें तुम्हारी तरक्की के ऑर्डर हैं और एक इनविटेशन कार्ड है। कल हमारी बेटी की सालगिरह है और हम तुम्हें उसमें शरीक होने की दावत देते हैं। ये लो साहब। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं जी? नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। अब तुम जा सकते हो। ऐसे सीधे और मासूम लोग भी हैं इस दुनिया में। अभी आपके सामने इसकी ये हालत थी, जब ये मुझे पहचानेगा तो इसकी क्या हालत होगी? बेटी, हमें तुम्हारा इंतखाब पसंद है। आज तू मेरे देवर को चांद भी देखे तो वो भी शर्मा जाए। हेलो, रुमाल रखो। ए, रानी भाभी। क्या है? आज मैं राजा लग रहा हूं ना? हाँ। क्या ख्याल है? ठहर तो सही बदमाश। मुझे कोट तो पहन लेने दे। ए, क्या सोच रहे हो? यही कि एक बड़े आदमी ने अपनी फैक्ट्री के एक मामूली आदमी को अपनी महफिल में कैसे बुला लिया। शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप लोग आए। इस खुशियों भरी महफिल की इब्तदा हमारी बेटी अपने दिल की आवाज से करती है। रंग जीवन में
इजाजत ही नहीं मिली। अब तुम्हें हमसे नहीं, हमें तुमसे इजाजत की जरूरत है। कैसी इजाजत? प्यार करने की। प्यार? आप करेंगी? किससे? तुमसे, तुमसे, तुमसे। उससे? टाइगर। यस बॉस। सब ठीक है ना? एवरीथिंग इज ऑल राइट? यस सर। इस तरह मिक्स किया है कि अगर आप भी स्मगल करने वाला माल ढूंढना चाहें तो नहीं ढूंढ सकेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। स्मगलिंग और हमारी फर्म के नाम, ये जुल्म है, कयामत है। मिस्टर असलम को फौरन बुलाओ। फौरन आने को कहा गया। कैसे तो है शेर साहब? ये देखो असलम, ये वो हकीकत है जो हमारी कंपनी के नाम पर दाग बनने वाली थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारे रखे हुए मैनेजर की हरकत मशकूक मालूम होती हैं, लेकिन तुमने बीइंग ए पार्टनर मुझे हमेशा ये कहकर खामोश कर दिया कि तुम्हें उस पर एतबार है, और आज उसकी असलियत सामने है। लुक। फरीद को बुलाओ। क्या बकते हो? Tell me how done it। मुखबरी राजू ने की है सर। कौन राजू? वही जिसके भाई को रास्ते से हटाने के लिए आपने गाड़ी का एक्सीडेंट प्लान किया था। राजू कहाँ है? वही सर, जहाँ सेठ साहब ने आपको कॉल किया है। नमक हराम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारी कंपनी की आड़ में स्मगलिंग जैसा गलीज धंधा करके हमारी साख को नुकसान पहुंचाया है। तुम वाजिब कत्ल हो। I'll kill you। तुम इसके खून से अपने हाथ क्यों रखते हो? इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के हवाले करने का मतलब है कि हम अपनी शोहरत, अपनी बिजनेस की साख को खुद ही बर्बाद कर ले। ये केस पुलिस तक पहुंचा तो अखबार तक भी पहुंचेगा, और अखबार हमारी जिल्लत का निशान बनकर घर घर पहुंचेगा। इस बदनामी से तो बेहतर है कि इस गलाजत के ढेर को कहीं दूर फेंक दिया जाए। गेट आउट। आइंदा अगर मैंने तुम्हारी परछाएं भी अपने इलाके में देखी तो फिर तुम्हें मौत के मुंह से कोई नहीं बचा सकता। गेट आउट नाउ, गेट आउट। राजू, तुमने इतना बड़ा काम किया है कि हम चाहते हैं तुम्हारी तरक्की कर दी जाए। आज से तुम उस मैनेजर की जगह काम करोगे। जी, मैं? हाँ। आज राजू आ जाए ना, तुम मजा ही आ जाएगा। देखना कैसे उल्लू बनाती हूँ उसको। तुम औरत हो ना, कहीं पहले ही भांडा ना फोड़ देना। हटो, घबराओ नहीं, आने तो दो उसको। जी चाहता है इस क्वार्टर को आग लगा दूं। कितनी घुटन है यहाँ, बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। क्यों लगता है जैसे मैं किसी पागल खाने में आ गया हूँ। ना यहाँ VCR है, ना TV है, ना रेडियो है, ना फ्रिज। ये घर है या मुर्गियों का डरबा या घोड़ों का स्टबल। कुछ सुन रहे हैं आप? हाँ, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ ज्यादा ही गड़बड़। मुलाजिम, भाभी के लिए प्याली गरम गरम कॉफी के लिए आओ। और टेलर,
भाभी भैया और नीली के लिए कुछ जबरदस्त किस्म के 50-60 जोड़े बना डालो। राजू ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें खुशखबरी सुना रहा हूँ, समझी? सच? अब मैं फैक्ट्री का कोई मामूली मुलाजिम नहीं रहा, मैनेजर बन गया हूँ, मैनेजर। अरे भैया मेरी तो तरक्की हो गई है। ए राजू, एक खुशखबरी तूने मुझे सुनाई है, दूसरी खुशखबरी मैं तुझे सुनाती हूँ। वो कौन सी खुशखबरी है? अरे अंदर चल कर तू देखना, चल ना अंदर। चाचा हमने चाची पसंद कर ली है, अब बीच में टांग मत अड़ाना। क्या बकवास कर रही है भाभी, ये क्या कह रही है? इसे पता नहीं है कौन है, ये हमारी मालिक है। लो ये तो कह रही थी अगर मैं अपने चाचा के साथ इनका ब्याह करा दूं तो ये आपकी भी नौकर और मेरी भी नौकर। अरे क्या बकवास कर रही है, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी है? बड़ी मुश्किल से तो तरक्की हुई है मिस साहिबा, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बच्ची है ना यूं ही बकवास करती है। नहीं ये सच कहती है। नहीं नहीं सांस भी लूं तो मेरे लबों पे
हेलो फरीद, आओ बैठो। क्या पियोगे? खून राजू का। अकेले राजू का ही नहीं मेरे दोस्त फरीद, मेरे पार्टनर सेठ जहांगीर का भी। अब उसे खत्म हो जाना चाहिए ताकि उसके तमाम शेयर्स पर मेरा कब्जा हो। एक तीर से दो निशाने होंगे, जहांगीर भी खत्म हो जाएगा और राजू भी। रह गई उसकी लड़की, तो उसे खत्म करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं, तुम फौरन यहां से हांगकांग शिफ्ट हो जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें कॉल कर लिया जाएगा। राजू और सेठ जहांगीर को अकेले कैसे खत्म करोगे पार्टनर? अकेले नहीं, मेरे साथ हमारा तीसरा पार्टनर होगा, कावर। तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। किसको खत्म करना है? मेरे पार्टनर से जहांगीर और नए मैनेजर राजू को। राजू? हाँ भैया। राजू क्या नया घर मिल गया? बस भैया, जैसे वो पुराना मैनेजर घर छोड़ेगा ना, इंशाल्लाह हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अरे राजू तू आ गया, जल्दी उठ। अरे भाभी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे भैया के पास से मत उठाया करो। अरे राजू, तेरे भैया कहीं भागे तो नहीं जा रहे? जल्दी से उठना, बड़े साहब ने तुझे घर है। बड़े साहब ने बुलाया? हाँ। अल्लाह खैर करे, देखता हूँ बड़े साहब ने मुझे क्यों बुलाया। चाचा जल्दी घर आना। अरे बेटिया, अभी गया, अभी आया। तुम बगैर इजाजत मेरे कमरे में? मौत बगैर इजाजत ही आती है सेठ जहांगीर, क्या बकवास कर रहे हो? इसकी तारें काट दी गई हैं सेठ, अब सिर्फ तुम्हारी शरारत काटती है। अहमद हसन! तुम्हारे सब मुलाजम हमारे हाथों बिक चुके हैं सेठ, कोई नहीं आएगा, अब सिर्फ तुम ही ऊपर जाओगे। डैडी, डैडी, डैडी तो तुम्हारा ऊपर जा चुका है, अब तुम भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। सेठ साहब, तुमने सेठ साहब को मार डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा, ये तो पहले ही से। झूठ मत बोलो, ये कत्ल तुमने किया है। नहीं, मैंने नहीं किया। और इसकी गवाही तुम्हारे हाथों में ये पकड़ा हुआ खंजर है।
सेठ साहब का कातिल भाग गया इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए उसे। इसे फौरन अस्पताल ले चलो। डॉक्टर साहब, मिस महा अब कैसी हैं? अब वो खतरे से बाहर हैं इंस्पेक्टर साहब, इंशाल्लाह बहुत जल्द उन्हें होश आ जाएगा। ओके। पुलिस को यकीन है कि शेख जहांगीर का कत्ल राजू ने ही किया है। अब राजू को इस सबूत के साथ ही मर जाना चाहिए ताकि तफ्तीश का सिलसिला यही खत्म हो जाए। कुछ असला और बारूद उसके घर के करीब छुपा दो और कुछ बारूद उसके घर के अंदर रखकर धमाका कर दो ताकि जब पुलिस छानबीन करे तो उन्हें पता चल जाए कि वो तखरीबकार था, मुल्क दुश्मन था। ऐसा ही होगा भैया। से जहांगीर को फरीद और दावन ने कत्ल कर दिया है। क्या? हाँ, पुलिस मेरा पीछा कर रही है लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। तू फौरन सेठ साहब के पार्टनर असलम साहब के पास जा, उन्हें हकीकत बता कि तू बेगुनाह है, वो तुझे बचा लेंगे। जा राजू, जल्दी से चला जा। हाँ। इस रास्ते से नहीं, पिछले दरवाजे से। चाचा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, घर जल्दी आ जाना। अच्छा बेटा। सब तैयारियां मुकम्मल है? जी सर, राजू के क्वार्टर के साथ साथ और क्वार्टरों में भी बम रख दिए गए। वेरी गुड। और राजू? राजू जब से क्वार्टर में घुसा है बाहर नहीं निकला। तो फिर ये क्वार्टर राजू की कब्र बन जाएगा। ये क्या हो रहा है रानी? बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था छुपा हुआ। आपको पता है सर, सेठ जहांगीर को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने वाला तावर और उसका एक साथी है सर। और पुलिस समझ रही मैंने खून किया है सर। सर मैं बड़ी मुश्किल से भाग कर यहाँ आया हूँ, मुझे बचा लीजिए सर। तुमने बहुत अच्छा किया राजू, जो मेरे पास चले आए, वरना सारी गेम उलट जाती। मैं कुछ समझा नहीं सर। इस वक्त समझने का वक्त नहीं, बचने का वक्त है। ड्राइवर जी सर, तुम जल्दी से राजू को ब्लैक हिल्स रेड कॉटेज पर ले जाओ। और राजू, मैं तुम्हें खत देता हूँ, तुम वहाँ मौजूद गिंगो को दे देना, वो तुम्हारा हरदम ख्याल रखेगा। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। अब माहा के जिंदा रहने का मतलब है कि हमने खुद अपने लिए मौत के दरवाजे खोल दिए। कौन है आप? अभी बताता हूं। सेठ साहब, आप कब आए? डॉक्टर साहब, ये अपने अंकल को नहीं पहचानती, क्या हुआ इसे? इनके सर पर शदीद चोटें आई हैं जिनकी वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। जंबू, इसको बास ने भेजा है,
इसका पूरी तरह ख्याल रखना। जरूर जरूर। मेहमान हमारे बॉस ने भेजा हो और हम इनका ख्याल ना रखें, ये कैसे हो सकता है? तुम जा सकते हो। ओके आइए। समझ गया कि सेठ जहांगीर का कातिल कौन है, बाकी हम समझा देंगे। जालिम कुत्तों, याद रखना, जब जुल्म के आगे कोई मजलूम सर उठाता है तो दुनिया का कोई जालिम उसके इंतकाम से नहीं बच सकता, कोई पहाड़ उसका रास्ता नहीं रोक सकता। कोई नहीं मिलेगा राजू, तुम्हारे सब तो जलकर राख हो चुके हैं। तुमने जो असला अपने घर में मुल्क का दुश्मन बनकर रखा था, वो असला तुम्हारा दुश्मन बन गया, हमारा दुश्मन बन गया। मारो इसे, मारो, 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 मारो। राजू जिंदा बच गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस की तफ्तीश का रुख किसी वक्त भी हमारी तरफ पलट सकता है। पुलिस की तफ्तीश का रुख पलटने से पहले राजू इस दुनिया में नहीं रहेगा। मैं जिंदा क्यों बच गया, क्यों बच गया मैं? उनके बजाय मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? ये बिरादर, ये सब तकदीर है। तकदीर, 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 ये तकदीर हम गरीबों के घरों पर क्यों बिजली गिराती है गुल्लू? क्या कसूर था मेरे माजूर भाई का, क्या कसूर था मेरे बेगुनाह भाभी का, क्या कसूर था मेरी मासूम नीली का? ये सब के सब क्यों मार दिए गए, क्यों? राजू, मुझको एक बात का समझ नहीं आया कि ये बारूद तुम्हारे क्वार्टर में पहुंचा कैसे। मैं जानता हूं वो बारूद मेरे क्वार्टर में कैसे पहुंचा, और ऐसा ही बारूद, ऐसी ही आग उन सब के घरों तक जाएगी, ये सलाखें टूट जाएंगी और कोई दीवार मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगी। ये नहीं राजू, नहीं नहीं, इस किस्म का हरकत तुम मत करना, कोई ऐसा कदम ना उठाना। तुम बेगुनाह है, अगर तुमने जेल का सलाखें तोड़ा तो तुम मुजरम बढ़ जाएगा। अब तुम्हारा ये केस कुल्लू खान लड़ेगा और इस शहर का बड़े से बड़ा वकील करेगा। दिल साहब, सारा शहर जानता है कि आप फांसी के फंदे को फूलों का हार बना देता है।
तकदीर का कागज और कलम आपके हाथ में है, आप किसको चाय बचा सकता है? तुम्हारा ख्याल गलत है। हम कानून के दायरे के अंदर रहकर ही किसी की मदद कर सकते हैं। कानून किसी की फेवर नहीं करता। ये अलग बात है कि कानून फैसला करने में गवाहों का मोहताज होता है। जब मेरा यार बेगुनाह है वकील साहब, उसने कत्ल नहीं किया है, उसको बचा लो वकील साहब। उसने कत्ल किया है या नहीं किया ये बात की बात है, लेकिन तुम इस कत्ल के केस के लिए हमारी फीस अदा कर सकोगे? ये जान से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं होता वकील साहब। हम अपना जान दे देगा, अपना होटल बेच देगा, मगर तुमको तुम्हारा फीस जरूर अदा करेगा। तुम एक बार मेरे यार का केस लड़ने का हम ही बोल दो। जरूर लड़ेंगे खान साहब, आपका केस जरूर लड़ेंगे। योर ऑनर, मुल्ज़म रियाज उर्फ राजू सूरत से जितना भोला दिखाई देता है, हकीकत में उतना ही चालाक और भयानक इंसान है। इसने अपने माथे पर मजदूर का लेबल लगाकर अपना असल चेहरा छुपा रखा था। सच तो यह है योर ऑनर कि यह सिर्फ सेठ जहांगीर का ही कातिल नहीं, बल्कि अपने वतन की जड़ें काटने वाला एक तकरीबकार। ये झूठ है सर। ये सच है, और इस सच का सबूत इसके अपने क्वार्टर में फटने वाला वो बारूद है, जिससे इसके अपने खानदान के अफराद के अलावा बस्ती के कई गरीब और बेगुनाह इंसान मारे गए। ये झूठ है। ये सच है, ये सच है योर ऑनर। अगर वो बारूद इसके अपने क्वार्टर में ना पड़ता तो पता नहीं ये उससे हमारे वतन अजीज के किस कोशे में तबाही मचाता और कितने बेगुनाह इंसानों की लाशों के टुकड़े हो जाते। ये सब झूठ है सर। योर ऑनर, इस मासूम सूरत वाले भयानक दहशतगर्द ने बारूद की तबाहकारियों से इतने इंसानों को मौत की नींद सुला दिया है कि इसकी अपनी नींदें उड़ गई, इसको किसी पल चैन नहीं मिलता। यह नफ्सियाती तौर पर एक भेड़ बन चुका है, और इस भेड़िया सिफत इंसान की शख्सियत का दूसरा रुख यह है कि यह जहां कहीं किसी खूबसूरत लड़की को देखता है यह जानवर बन जाता है, और जब तक उस लड़की को अपनी हवस का निशाना नहीं बना लेता इसको चैन नहीं मिलता। अपने इस हवस की तस्कीन के लिए इसने सेठ जहांगीर की बेटी मिस माह को निशाना बनाना चाहा। एन उस वक्त सेठ जहांगीर और मिस्टर तावर मौका पर पहुंच गए। इसने सेठ जहांगीर पर हमला कर दिया। इसी कश्मकश के दौरान उनकी बेटी खिड़की का शीशा टूटने से दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। मिस्टर दावर ने पुलिस को फोन कर दिया, और जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो मुल्ज़म राजू सेठ जहांगीर के पेट में छुरा घूम चुका था। पुलिस और घर वाले अगर इसे ना पकड़ते तो यह वैशी दरिंदा मिस्टर दावर को भी खत्म कर देता। और ये कि वकील साहब ने बहुत ही खूबसूरत कहानी खड़ी है योर ऑनर। ये सब कुछ झूठ का एक पलंदा है, बोहतान है मेरे मुवक्किल पर। हकीकत कुछ और है योर ऑनर, जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। कातिल मेरा मुवक्किल नहीं है, कोई और है जिसे इस झूठी कहानी की आड़ में छुपाया जा रहा है। ये कहानी झूठी नहीं है, इसकी सच्चाई का सबूत गवाहों की सूरत में मौजूद है। मैं मौजूद अदालत से दरखास्त करता हूं कि उन गवाहों को पेश करने की इजाजत दी जाए। गवाहों को पेश करने की इजाजत है? मिस्टर दावर, जब आप सेठ जहांगीर के साथ कमरे में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा? इस दरिंदा सिफत इंसान की गिरफ्त में मिस माह मछली की तरह तड़प रही थी। जज साहब, सेठ जहांगीर अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़े तो इसने हंजर निकालकर उन पर हमला कर दिया। यह झूठ है सर, यह सब कुछ झूठ है। खुदा की कसम यह सब झूठ है सर। यही सच है, यही हकीकत है। बयान जारी रखिए मिस्टर दावर। यह झूठ बोल रहा है जज साहब, इसने कत्ल किया है। मैंने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। ऐसे वैशी दरिंदे को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए जज साहब। कोई और गवाह? नहीं योर ऑनर, मुझे और कोई गवाह पेश नहीं करना।
लेकिन मुझे सिर्फ एक गवाह पेश करना है योर ऑनर, और वो है मकतूल की सगी बेटी और एनी माँ। मिस माहा को आइंदा पेशी पर हाजिर किया जाए। ओके, ठीक है, बाय। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कौन हो तुम? तुम एक मुकदमे में अहम गवाह हो और मैं ये गवाह खत्म करने आया। नहीं रावण, नहीं। तुमने खुद ही तो उसको मारने के लिए कहा था। दावर, अभी अभी इसके खानदानी वकील ने इन्फॉर्म किया है कि इसके बाप ने मरने से पहले अपने तमाम शेयर्स इसके नाम कर दिए थे। अब अगर ये मर गई तो शेयर्स हमें नहीं मिल सकेंगे बल्कि किसी ट्रस्ट को मिल जाएंगे, इसलिए हमें हर हाल में इसे जिंदा रखना है। अगर ये जिंदा रही तो इसकी गवाही का क्या होगा? यार दावर, तुम जितने ताकतवर हो उतने ही बेवकूफ भी हो। माहा अपनी याददाश्त खो चुकी है, वो वही गवाही देगी जो हम कहेंगे। सामने कोई वैल्यू नहीं रखता, और माहा वही कुछ बोलेगा जो कुछ सच है। अब केस हमारे हाथ में है, और माहा ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका मबत फांसी के तख्ते पर चढ़ जाए। आप जो कुछ भी कहेंगी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच कहेंगी, और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं सच कहूंगी। मिस माहा, क्या आप इस चेहरे को पहचानती हैं? क्यों नहीं, ये चेहरा एक वैश्य का चेहरा है, एक कातिल का चेहरा है। इसको सूली पर लटका दीजिए योर ऑनर, इसने मुझे हवस का निशाना बनाना चाहा। इसने मेरी आंखों के सामने तेरे बाप के पेट में छुरा घोंप दिया। तुम्हें एक बार नहीं लाख बार फांसी मिलनी चाहिए। गवाहों के बयानात और वकला की बहस सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जम रियाज उर्फ राजू मुजरिम है। इस पर मुल्क दुश्मन तखरीबकारी और सेठ जहांगीर के कत्ल का जुर्म साबित होता है, लिहाजा अदालत मुल्जम रियाज उर्फ राजू को जेरे दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ये हमारा हुक्म है, तुमने अब जीना है तो सिर्फ हमारे हुक्म पर। मैं तुम्हारी मौत के रास्ते की दीवार हूं। अगर मैं हट गया सलमा तो दावर के हाथ भी पहुंचेंगे और तुम्हें जिंदगी भी खत्म कर देंगे। कहो कहो, इज्जत का पामाल होना मंजूर है या हमारी महफिलों की जान मरना? अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी।
तुमने ऐसा क्यों किया मां? ऐसा क्यों किया बेवफा? मुझको सुनाने वाले मैं वो बन गई हूँ जो तुमने।
आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी, जी चाह रहा था तुम्हें भरी महफिल में अपनी बाहों में ले लो। छोड़ दो मुझे। आज जब नहीं होता, कब तक चश्मे के पास प्यासा बैठा रहूं? छोड़ दो। कब तक? छोड़ दो, 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 छोड़ दो। दावर, आज मेरे रास्ते में कोई ना आए, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब कुछ दे दिया है आपको, एक ही चीज तो बचाई है, इज्जत। अगर वो भी ना रही तो कुछ ना रहेगा, कुछ ना रहेगा, कुछ ना रहेगा। पागल मत बनो दावर, उस लड़की को जिंदा रखने और उसकी बात मानने का मकसद सिर्फ उसकी दौलत और जायदाद को अपने कब्जे में रखना और उसके हुस्न को एक जाल बनाकर बड़े बड़े लोगों से फायदा उठाना है। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जरा सी भूल हमसे ये सब कुछ छीन ले। तुम जिसे भूल कहते हो सेठ, वो मेरे जज्बात है। ठीक है ठीक है, आइंदा ऐसी गलती ना करना, उस लड़की को उसके हाल पर छोड़ दो। हेलो फरीद, हेलो, वेलकम बैक होम, वेलकम बैक होम। हांगकांग का स्टे कैसा रहा? एकदम ओके, फाइन। अब कुछ दिन रहोगे ना हमारे साथ? कुछ प्लान है जो डिस्कस करने तुम्हारे साथ, और कुछ नए जाल हैं जो तैयार करने। राजू का क्या हुआ? सब खत्म हो गया। चंद दिनों में राजू के गले में फांसी का फंदा होगा और इस कहानी को फुल स्टॉप लग जाएगा। कौन हो तुम? तुम्हारी एक आवाज मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद कर सकती है। पर तुम हो कौन? मैं उम्र कैद पाने वाला एक बेगुनाह कैदी हूं। कई बरसों से मैं जेल से फरार होने के लिए यह सुरंग निकाल रहा हूं, मगर मेरी अंदाजे की गलती से यह सुरंग मुझे बाहर ले जाने के बजाय तुम्हारी कोठरी में ले आई। तुम कब से यहां पर हो? यही चंद दिनों से। कितनी सजा हुई? कुछ दिन बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मेरे साथ भाग सकोगे? क्या ये मुमकिन है? आजादी ज्यादा फासले पर नहीं है। अगर तुम्हारे जवान हाथ मेरे साथ मिल जाए तो हम दो दिन में ये स्वयं जेल से बाहर ले जा सकते हैं। सोच क्या रहे हो? मुझे मंजूर है। बाबा, हाँ, जो जो आजादी करीब आती जा रही मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता जा रहा। सोचता हूं जिसके लिए ये सब कुछ किया है
उसे देख भी सकूंगा या नहीं? किसे देखना चाहते हो? अपनी बेटी रूप को। कहां है तुम्हारी बेटी? जालिम भादो की कैद में। भादो कौन है? प्रोफेसर, कौन हो तुम? तुम भादो को नहीं जानते प्रोफेसर? यहां क्यों आए? भादो जहां जाना चाहता है रास्ता नहीं पूछता। क्या कहना चाहते हो? पता चला है प्रोफेसर कि तुमने अपनी तहकीकात से किसी पुराने दफनशुदा खजाने का नक्शा ढूंढा है और आजकल में तुम उस खजाने की तलाश में जाने वाले हो। तुम गलत कहते हो, यह सब झूठ है। ये झूठ नहीं सच है। हमें यह सब कुछ तुम्हारे चहेते नौकर ने बताया है। बोल, कहां है वो नक्शा? मेरे पास ऐसा कोई नक्शा नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। सोच लो, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हम तो धमाकों से डर आते हैं। मेरी बच्ची है। सुनो प्रोफेसर, अपनी बीवी को दफनाने के बाद नक्शा लेकर मेरे पास आ जाना और अपनी बेटी नक्शे के बस ले जाना। मेरी बच्ची को नहीं ले जा सकते। रेशमा, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसको नक्शा दे दीजिए। खुदा के लिए जालिम से मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ मेरे पास कोई नक्शा नहीं। मेरी बीवी के कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई। उसके भाइयों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे गिरफ्तार करवा के उम्र कैद की सजा दिलवा दी। सजा काटते हुए मुझे 10 बरस गुजर चुके हैं। इन 10 बरसों में मैंने अपनी बेटी तक पहुंचने की बहुत कोशिश की। 12 भागना चाह मगर हर बार नाकाम रहा। फिर मैंने ये सुरंग खोदनी शुरू की। अब आजादी चंद कदमों के फासले पर है। जल्दी करो, सुबह होने वाली है। तुम्हारी फांसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी। मुजरिम कहां है? इधर सही गया। संभालो, मैं उसे देखता हूं।
मुफ्ती साहब, मैं आपकी वर्दी और कानून का एहतराम करता हूं। यकीन कीजिए, मैं देखो ना, मैं तो खुद असली कातिलों की तलाश में जेल से भागा हूं। आप मेरा पीछा मत कीजिए। ये संभालिए अपना पिस्तौल। लेकिन अदालत तुम्हें मुजरिम करार दे चुकी है, अब तुम मौत की सजा से नहीं भाग सकते राजू। मैंने मरने से पहले अपना इंतकाम लेने का फैसला किया है डीएसपी, तू मुझे रोक नहीं सकता, तू मुझे रोक नहीं सकता। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है डीएसपी, बचाने वाला बहुत बड़ा है। ऐसे ही मरना था, अब तो शायद इसकी लाश इसके वारसों को भी ना मिल सके। लेट्स मूव। सर, मैंने मुजरिम राजू का बहुत दूर तक पीछा किया और पूरी कोशिश की कि उसे जिंदा गिरफ्तार करूं, लेकिन उसने फांसी पर चढ़ने की बजाय दरिया में कूद कर अपनी जान दे दी। क्या तुम्हें यकीन है कि मुजरिम मर चुका है? यस सर, क्योंकि उसके दरिया में कूद जाने के बाद हमने उस पर गोलियां चलाई और उसकी लाश को दरिया में दूर तक तलाश किया, लेकिन दरिया का पानी इतना तेज था सर कि उसमें कोई चीज भी नहीं ठहर सकती थी। राजू की लाश का नामो निशान तक नहीं मिल सका। डीएसपी मुराद, तुम जैसे बहादुर और दलेर अफिसों पर हमारे महकमे को नाश है और आज ही तुम्हारी ट्रांसफर ऐसे इलाके में की गई है जहां कातलों और डाकुओं ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। सर, इंशाल्लाह एक भी डाकू और कातिल उस इलाके में नहीं रहेगा। खुदा तुम्हारी मदद करे। बहरहाल मैं मुजरिम राजू की फाइल तुम्हारी जगह आने वाले डीएसपी को भेज रहा हूं। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच सर। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस्टर मुराद। तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देता, खामोश कर देता, जालिमों का जुल्म जीत जाता, जुल्म करने वालों के हौसले बढ़ जाते और इंसाफ करने वाले कानून की अंधी आंखें हकीकत का चेहरा कभी ना देख सकती हैं। ऐसे ही है ना? तुमने बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन अगर मरना ही है ना तो उन लोगों को साथ लेकर मरो जो इस धरती पर शैतान के पैरोकार हैं, जुल्म फैलाते रहते हैं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? जो कुछ करना है मुझे खुद करना है। मेरे सीने में इंतकाम की जो आग लगी है उसे मैं खुद बुझाऊंगा और उनके लहू से बुझाऊंगा जो इंसानियत ही क्या नहीं बल्कि कानून और इंसाफ के भी दुश्मन है। उन दुश्मनों तक खाली हाथ जाओगे?
ये लो गन, इसकी हर गोली तुम्हारे इंतकाम का ऐलान करते हुए दुश्मनों के सीने से खून के फव्वारे निकाल देगी। ले लो। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तुमने तो सारे ही उड़ा दिए। तुम्हारा निशाना तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और तुम्हारे जख्म भी सारे ठीक हो गए। राजू अब बता, तेरा इरादा क्या है? सबसे पहले मुझे अपनी मोहसिन की बेटी को ढूंढना है, जिसकी वजह से मुझे आजादी मिली। कहां है उसकी बेटी? डाकू की कैद में। कौन है वो डाकू? भादो। भादो, इस नाम से तुम क्यों चौंक गए? खानदानी दुश्मनी है उससे मेरी। बहुत खतरनाक लोग हैं वो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर मेरे साथ तुम अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे? दोस्ती का हक अदा करना चाहता हूं। वैसे भी भादों जैसे दुश्मन से टकराना मेरा खानदानी शौक है। क्या नाम है उस लड़की का? रूप। शाबान की बेटी रूप। याहू! याहू!
तुम्हारी ये खूबसूरत जवानी अब शबाब पर आ गई है। अब इसको लूटने का वक्त आ गया है रूप। हमारा दुश्मन और यहां मौत कोई ना कोई बहाना बनाकर ही आती है भादो। तुमने क्या किया राजू? कुछ नहीं दोस्त, दोस्ती का फर्ज नहीं। काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारे काम आ जाए। मैं भी मर्द हूं, तुम्हारे से एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। चलो। मुझे कहां ले जा रहे हो? अभी बताता हूं। मैं अपने बाबा को एक बार देख सकती। तुम्हारे बाबा की भी यही ख्वाहिश थी। तुमने मुझे एक लुटेरे और जालिम से रिहाई दिलवाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। एहसान नहीं, मेरा फर्ज था। और अब मेरा भी कुछ फर्ज हो गया है। वो क्या? यही, जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी बात कह दी है तुमने। काश जो लोग कहते हैं वो करके भी दिखाएं। सब लोग एक जैसे नहीं होते राजू। कुछ जान ले लेते हैं और कुछ जान दे देते हैं। जान बड़ी कीमती चीज होती है और कीमती चीज हमेशा अपने प्यारों पर निछावर की जाती है। राजू ये लो घोड़ा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। मुझे एक घोड़ा और चाहिए। किस लिए? रूप भी मेरे साथ जाएगी। ये लो खान बिल, 9 रुपए और 1 रुपए की चाय पिया, समझे? ओ डेरा डेरा मेहरबानी यार, डेरा मेहरबानी। भाई गुलू खान कहाँ है? वो ची गुलू खान को छोड़ो, कुछ बादशाह खान पूछती है कि गरम पिएगा कि ठंडा। वो ये क्या करते है भाई? वो ची गुलू खान बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो ची बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया, वो ची उसका बहुत बड़ा बंगले, वो ची 318 गुलबर्ग में रहती है। हम मौत बन जाएगा उनके लिए जिन्होंने हमारा यार का जिंदगी छीना है। आज बाबा आज बुल्लू के राजू के मेरा भाई के राजू, ये सब कुछ कैसे हुआ है? वो सब मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। ये बताओ
ये सब कैसे हुआ? क्या ये सब कुछ? ये हराम का कमाई नजस काम का नतीजा है कि मैं इतना सारा रुपया कमाकर एक फोर्स बनाना चाहता हूँ जो तुम्हारा इंतकाम ले सके। उसकी जरूरत नहीं है बिल्लू, अपना इंतकाम मैं खुद ही लूंगा। हेलो, कैसे हो फरीद? ऐश कर रहा हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। क्या बकवास है, कौन मजाक कर रहा है? भला सोचो ऐसा संगीन मजाक तुम्हारे साथ कौन कर सकता है। राजू, हेलो, कब मरना चाहते हो? मौत की धमकी देता है, सामने आ। सामने भी आऊंगा लेकिन तुम्हारा नंबर दो है, तब तक मौत के इंतजार में एक एक घड़ी गिनते रहो। शट अप! कौन था? यही तो सोचना है। सर, ये खत। खत किसने दिया? कोई साहब दे गए। अच्छा तुम जाओ। एक खत तुमने भेजा था जिसमें मेरे नाम मौत लिखी थी, अब एक खत मैं तुम्हें भेज रहा हूं जिसमें तुम्हारे नाम मौत लिखी है। मेरी मौत तो टल गई थी लेकिन शायद तुम्हारी मौत न टल सके। पहचान तो गए होगे कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जिसे तूने डसा है बेवफा नागन, अब तुझे उन तमाम जफाओं का हिसाब देना होगा। लेकिन उस वक्त जब तू अपनी आंखों से अपने चाहने वालों को तड़पता देखेगी। कौन था ये? ये आप लोगों का वहम है, ख्वाब है। मगर डीएसपी साहब, हम तीनों एक ही वहम का शिकार कैसे हो सकते हैं? एक ही ख्वाब कैसे देख सकते हैं? तो फिर ये आपके किसी दोस्त का मजाक है आपके साथ। राजू पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात को जारी रखें। हम किसी राजू से नहीं डरते डीएसपी साहब, मगर कानून का एहतराम जरूर करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। अगर तमाम लोग आप जैसे हो जाएं, तो जरायम का नामोनिशान मिट जाए। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। गुलू खान, देखा है हमने कैसा गेम जीता? ये वेरी गुड फरीद खान, तुमने ये गेम तो जीत लिया, मगर कभी कभी बंदा अपनी जिंदगी का गेम हार जाते। ओ नो नो, हम नहीं हार सकता।
कहाँ जाना है आपको? मैंने पूछा है कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं जाना साहब, आप जाना है। मुझे? मुझे कहाँ जाना है? ऊपर। आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, घूम कर देखिए, मौत आपके सर पर खड़ी है। लिया मुझे, अब उन जुल्मों की तरफ भी मुड़कर देखो जो तुमने मेरे खानदान पर किए। आज देखना यह है कि तुम मौत से ज्यादा तेज भागते हो या इंतजार करूंगी, घर जल्दी आ जाना। की मौत के बाद बताइए डीएसपी साहब, यह ख्वाब था या हमसे किसी ने मजाक किया था? मुझे यकीन है यह राजू का ही काम है। अगर वो राजू है तो जहां भी है वो बच नहीं सकता। आई विल कैच हिम। जालिम कहां तक भागेंगे अपनी मौत से? वक्त जब इंसान के साथ होता है तो वो इंसान हर कदम पर कामयाब होता है। उसको शिकस्त देना, उसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं होती। आज वक्त तुम्हारे साथ है, इसलिए एक मशवरा देती हूँ। कैसा मशवरा? जुल्म ने तुम्हें पत्थर बना दिया है, लेकिन तुम ऐसा बादल बनकर जियो जो फूलों पर ही नहीं कांटों पर भी बरसता है। मैं समझा नहीं। समझना चाहते हो तो मुझे कांटा समझकर मुझ पर बरस जाओ। Thank you.
रुक जाए। रुक जाए कहता है ये बरसात का मौसम, गर्भ नहीं पास तो, गर्भ नहीं पास तो किस बात का मौसम। रुक जाए रुक जाए कहता है ये बरसात का मौसम, गर्भ नहीं पास तो किस बात का मौसम। रुक जाए ओ हो रुक जाए। बेताब मौजों को रोक नहीं सकी मैं। इन मौजों के नसीब में उन जैसे पत्थर से टकरा कर वापस लौटने के सिवा कुछ नहीं है रूप। मेरा प्यार तुम्हें पत्थर नहीं रहने देकर राजू। प्यार? इस प्यार ने ही तो पत्थर बनाया है मुझे। नफरत है मुझे इस लफ्ज से और इस रिश्ते से। प्यार का रिश्ता जिसने तोड़कर तुम्हें पत्थर बनाया है उसकी सजा मेरी वफाओं को क्यों राजू? समझने की कोशिश करो रूप। अब मैं प्यार का एहसास उस सीने में नहीं जगा सकता जहां सिर्फ इंतकाम की आग जल रही है। हम दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त और साथी हैं और कुछ नहीं। पियो बिरादर, वो इस तरफ रोज बरोज आता है। हो सकता है आज उसका को गाड़ी मड़ी खराब हो गया। इतना बेताबी का जरूरत नहीं है। बेताब तो हूं गुलखान, इंतकाम की आग में जो जल रहा हूं, लेकिन मैं भी उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि हर लम्हे मरता रहेगा। आइए। थैंक यू बिरादर। जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया।
बैठिए। जी सर। मेनू कार्ड प्लीज। ओके सर। हाँ ठीक है सर। तुम्हारी खुराक का मेन्यू बहुत थोड़ा रह गया है स्वीट असलम। जो खाना पीना है जल्दी से खा पी लो, कहीं तुम्हारा नंबर 3 से 2 ना हो जाए। कैशियर साहब वापस जाती है, कुछ खाना पीना नहीं है। हाँ वो ठीक नहीं। वह क्यों झूठ बोलती है, मूड तो तुम्हारा बड़ा अच्छा था। खैर कोई बात नहीं, खाना पीना तो होता रहता है। इनसे मिलो, ये हमारा दोस्त है प्रोफेसर परवेज अली आफंदी, इंटरनेशनल पामिस्ट। ये हाथ का लकीरों को पढ़कर मुकद्दर का लिखा हुआ बता देता है। ये प्रोफेसर बिरादर, यश का हाथ देखकर बताओ यश का मूड क्यों खराब है। इनका हाथ देखने की क्या जरूरत है, इनके माथे पर तो सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आपका कोई दुश्मन मौत बनकर आपका पीछा कर रहा है, यूं लगता है कि वो आपके बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर वो चाहे तो आपको अभी और इसी वक्त मार सकता है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो शायद आपको सिसका सिसका कर मारना चाहता है। शट अप! आप तो खामखा नाराज हो गए। मैं तो वो कह रहा हूं जो आपके मुकद्दर की तहरीर कह रही है। मैं अपना मुकद्दर बदलना जानता हूं। तुम्हारा मुकद्दर तो अब मैं बदलूंगा सेठ असलम। यार दावर, वो गुल्लू खान का साथी परवेज पामिस्ट मुझे राजू ही लगता है। तो उसको आज ही खत्म कर देते हैं। नहीं दावर नहीं, मैंने डीएसपी को उसके पीछे लगा दिया है। ये डीएसपी साहब, वैसे तो शरीफ आदमी के घर में पुलिस आना कोई अच्छा बात नहीं है, मगर आप तो हमारा भाई है ना भाई, और वो है हमारा प्रोफेसर परवेज। ये प्रोफेसर साहब, डीएसपी साहब तुम्हारे को अपना हाथ दिखाने के वास्ते आया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे को अपना हाथ दिखा के किसी बड़े मुजरिम का पता मालूम करना चाहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो मैं सिर्फ इनसे मिलने आया हूं। वैसे खान साहब, आपने इनका पूरे तरीके से तारुफ नहीं करवाया। प्रोफेसर साहब, आप हाथ देखने के अलावा क्या काम करते हैं? उन वहमों का जिन्हें इंसान अपने दिल में बिठा लेता है, नहीं मैं आपका हाथ देखता हूं। फिलहाल प्रोफेसर साहब, मैं आपका शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूं। शनाख्ती कार्ड? जी हां, शनाख्ती कार्ड। ये देखिए शनाख्ती कार्ड। यश का शनाख्ती कार्ड तो मैं हर वक्त अपनी जेब में रखता हूं। गौर से पढ़ो, यश का नाम लिखा है प्रोफेसर परवेज अली आफंदी। ठीक है प्रोफेसर साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सी यू। क्यों खुदा हाफिज? ये तुमने कहां से निकाल लिया? मैंने उसके पासपोर्ट और पेपर्स वगैरह चेक किए हैं सेठ साहब। वो राजू नहीं है, वो कोई परवेज नामी इंटरनेशनल पामिस्ट है। तो फिर हमें ही वहम हो गया होगा डीएसपी साहब। आपकी तसल्ली हमारी तसल्ली है। ठीक है सेठ साहब, अब मैं चलता हूं। अगर आप
किसी किस्म की कोई ट्रबल फील करें या सोचें कि कोई यहां बात है तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। हेलो असलम सेठ, ये पुलिस को बीच में क्यों डाल रहे हो? आपस का मामला है, आपस ही में निपट जाए तो अच्छा है। तुम्हारे लिए एक मशवरा है असलम सेठ, पुलिस से दूर ही रहना, क्योंकि मैं तो पुलिस के हाथ आऊंगा नहीं, अलबत्ता तुम्हारा एक एक नाजायज काम पुलिस के हाथ लग जाएगा। और हां, टावर से कहना कुछ दिनों के लिए मैं शिकार पर जा रहा हूं, वापस आकर उसकी मौत के परवाने पर मोहर लगा दूंगा। मेरी मौत के परवाने पर तुम क्या मोहर लगाओगे? और जिसका शिकार मैं करूंगा। अपनी बंदूक फेंककर बहादुरी का सबूत दिया है और मैं तुम जैसे बहादुरों को गोली से नहीं हाथों से मौत की नहीं सुलाता हूं। अब तुम्हारी मौत आ चुकी है दावर, क्योंकि ये अब तुम्हारे आदमी नहीं, हमारे हैं, हमारी दौलत इन्हें खरीद चुकी है। तुम भी तो दौलत की खातिर लोगों को खत्म किया करते थे, आज हम भी तुम्हें उसी तरह खत्म करेंगे, ताकि तुम्हें अपनी मौत पर कोई शिकवा ना। तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने है। शेर बच्चे, हमारे खर्च किया हुआ रकम हलाल करो, शेर बनो बच्चे। ये शर्म करो शर्म, तुमने पैसा लिया तुम जाके लड़ो, हमको अपना काम करने दो। लाश असलम सेठ को पहुंचा देना, ताकि उसे अपनी मौत का नंबर याद रहे। दावर को मारने वाला राजू के सिवा कोई नहीं हो सकता, वो बहुत चालाक दुश्मन है, उसकी मौत के लिए हमें खूबसूरत जाल तैयार करना होगा, खूबसूरत जाल। परवेज बोल रहा है सलमा, जरा प्यार से। हेलो
परवेश साहब जी बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं सलमा बोल रही हूँ। सलमा जी कैसी हैं आप और हमें कैसे याद किया? कल हमारे यहाँ एक फंक्शन है, गेट टुगेदर, अगर आप तशरीफ लाएं तो हमें बेहद खुशी होगी। आप बुलाएं और हम ना आए फिर कैसे हो सकता है? जरूर आऊंगा मैं। हम आपका इंतजार करेंगे। तो गया एक नया जाल तैयार किया गया है मेरे लिए। हेलो सलमान साहब, हेलो, कैसे मिजाज है हुजूर? प्रिया जी आइए तशरीफ रखिए। आदाब अर्ज़ खान साहब, आदाब, मिजाज अच्छे हुजूर? फाइन फाइन, प्लीज प्लीज। शुक्रिया सलमा, हमारे खास मेहमान आ गए, आओ उन्हें रिसीव करें। हेलो खान साहब, हेलो, ये बिरादर ठीक है? ठीक ही है। सलामकुम। वेलकम। देखिए मिस साहबा, आपने बुलाया और हम आपके जाल में चले आए। जाल? कैसे जाल? आपकी अदाएं जाल ही तो है। वैसे इंतजाम खूब किया है आपने। फंक्शन जैसे ही होते हैं? जी हाँ बिल्कुल होते हैं, और मेरे इल्म नजूम के मुताबिक आप ऐसे फंक्शंस में कभी कभी गाना भी सुनाती हैं। ऐसा कभी हुआ हो याद नहीं। चाहे सितम हो या करम, याद दिलाना ही आजकल मेरा काम है। आप कोई पुरानी बात कर रहे हैं मिस्टर पामिस्ट। कोई ऐसी पुरानी बात भी नहीं, कुछ लोग अपने जुल्म और जुर्म को छुपाने के लिए कमजोर याददाश्त का सहारा लेते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आप कहें तो उन जज्बात का इजहार करूं जो आप अक्सर पार्टियों में या कहीं और किया करती थी। आप हमारे जज्बात कैसे जानते हैं? बताएं ना, हमें इल्म नजूम पर उबूर हासिल है। सबूत दीजिए। तो फिर लीजिए। सांस भी लूं तो मेरे लबों पे, सांस भी लूं तो मेरे लबों पे, नाम तेरा ही आता है, हर पल मेरी आंखों में प्यार तेरा लहराता है, हर पल मेरी आंखों में प्यार तेरा लहराता है। हकीकत बन जाए तो दिल को सुकून मिल जाता है, हर पल मेरी आंखों में प्यार तेरा लहराता है। Thank you.
दे दिया, उसूर नहीं बताओगे? कितनी गिर चुकी हो तुम, सब कुछ जानते हुए भी बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं हूं। जाल में तो तुम फंस चुके हो राजू। अगर तुमने यहां से हिलने की भी कोशिश की तो मेरे आदमी तुम पर गोलियों की बारिश कर देंगे। क्या नहीं असलम सेठ, तुम्हारे बारिश करने वाले बादलों में अब कोई जान नहीं है। वह सब का सब मेरा मीठा मीठा बिस्कुट खा के मीठी नींद सो गया। मैं तुम्हें तड़पाए बगैर नहीं मारूंगा असलम सेठ। कल तक तड़पना और अपनी मौत का इंतजार करना। घर पहुंच गए राजू। मौत की धमकी देते हुए तुम ये भूल गए कि तुम्हारी एक बहुत ही कीमती चीज मेरे पास है। माहा ओ बेचारी, मदद के लिए पुकार रही है तुम्हें। तुम्हारी मदद करके मुझे मौत की सजा दिलवाने वाली अब मुझसे मदद चाहती है। जब उसने तुम्हें सजा दिलवाई थी उस वक्त खिड़की से गिरने वाला हादसा उसकी याददाश्त छीन चुका था, मगर आज भरी महफिल में तुम्हारे जज्बाती गीत ने उसके टूटे हुए याददाश्त के सिलसिले को फिर से जोड़ दिया। उसे सब कुछ याद आ गया और उसे सब याद आना हमारी मौत है। लिहाजा हमने सोचा कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने से पहले तुम्हें एक चांस जरूर दें। तुम उसे बचाना चाहते हो तो एक घंटे तक ब्लैक हिल्स पर पहुंचकर ये चांस ले लो, या राजू मोहब्बत की खातिर मर जाओ या मोहब्बत को मरने से बचा लो। तुम हो ही, लेकिन झूठे भी हो। तुमने तो कहा था कि अकेले आना। दुश्मन के साथ झूठ बोलना कोई बुराई नहीं। वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। बताओ मां कहां है? मां हां वो रही वो। Thank you.
तुम दोनों को। पहले मुझे हिसाब लेना है अपने दोस्तों की मौत का, हिसाब लेना है उन लोगों का जो मेरे लिए टॉर्चर बने। हर बार तकदीर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती राजू, आज बाजी हम जीतेंगे। पहले तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करने थे और अब जीते जी तुम्हारे टुकड़े करेंगे। टुकड़े कर दो इसके। राजू का साया, जो वादा किया था वही निभा रहा हूं। देख ले राजू, तेरे दुश्मन के बदन पर एक गोली भी नहीं मारी मैंने, इसलिए कि ये तेरा खाता है, इसे तू ही संभाल और इसके हवारियों को मैं संभालता हूं। राजू देख ले यार, मैंने मैंने तेरे इंतकाम के रास्ते में किसी को आने नहीं दिया। शिरबाज, ये क्या किया तुमने? शिरबाज क्या किया? दोस्ती का हक अदा किया है यार, दोस्ती का हक अदा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, घर जल्दी आ जाना।
आज दुनिया की कोई अदालत तुझे मेरी अदालत की सजा से नहीं बचा सकती, कमीने!